विघ्नेश्वराय ओम गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित जंबु फल चारु भक्षणम उमाफुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वराय पादुपंकजम। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी जोशी और इस वक्त अयोध्या इस तीर्थ नगरी में उत्सव का माहौल है और इंडिया टीवी की अखंड कवरेज लगातार आप देख रहे हैं। अयोध्या के इसी सरयू तट से, राम की पैड़ी से, और इस अखंड कवरेज में जो हमारी अखंड प्रतिज्ञा है कि हम इस देश के युवाओं को, इस देश की पीढ़ी को स्वास्थ्य के प्रति अग्रसर करेंगे। और राजाधिराज राम जी के अगर हम बात करें, योग गुरु स्वामी रामदेव जी हमारे साथ मंच पर मौजूद है। स्वामी जी, जहां हम राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य तभी संभव है जब सेहत होगी, राम राज्य तभी संभव है जब दुख मिटेंगे, राम राज्य तभी संभव है, सुख तभी आएगा जब स्वास्थ्य के प्रति देश जागरूक होगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी भी कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। दैहिक शारीरिक मानसिक और जितने भी रोग शोक दुख संताप है जीवन के, उन सब से हम राम जी की कृपा से बचेंगे। एक तो योग तो करना ही पड़ेगा, सूर्य नमस्कार करो। ये हमारा जो है बालक सूर्य नमस्कार कर रहा उत्पल, तो हाँ। और हमारे पूज्य स्वामी आलोक दास जी भी हमारे साथ में, बड़े युवा योगी है। आप बैठे बैठे कपाल भाती अब क्योंकि आज यहाँ पर चेयर योगा हो रहा है आपके लिए, कपाल भाती करो। और राम कृपा नासई सब रोगा, क्या बोला? राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बनाई संयोगा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नारा उतरे ही पारा। और हमने एक और जोड़ दिया इसमें, कलयुग केवल योग आधारा, करत करत नर उतरे ही पारा। तो जय जय श्री राम, जय सिया राम। तो देखो, अपना कर्म भी करना है, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस कर ही सो ताही फल चाखा। अपना काम तो पूरा करना है अपना। देखो राम जी अपना काम कर रहे हैं, ये राम जी की ही लीला है कि इतने विघ्न बाधाओं के बाद आज 10:12 पर प्राण प्रतिष्ठा का, और उसके बाद ये जो पूरा सिलसिला है, ये मात्र के राम का मंदिर निर्माण नहीं हो रहा है, राम मंदिर के निर्माण के साथ इस राष्ट्र के चरित्र निर्माण की और एक नए युग के निर्माण की आधारशिला रखी जा रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, एक राम राज्य की आधारशिला रखी जा रही है। और राम राज्य कब आएगा? जब हमारे आचरण में राम जैसा गुण कर्म स्वभाव शील हो। आज हम राम के चरित्र की पूरी व्याख्या आपसे समझेंगे, लेकिन आज के कार्यक्रम की जो तस्वीरें आ रही हैं, जो अयोध्या की तस्वीरें हैं, वो इतनी मनोरम है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद राम मंदिर का ये सपना जो पूरा हो रहा है, अब से ठीक 4.5 घंटे के बाद, अब से ठीक 4.5 घंटे के बाद प्राण प्रतिष्ठा का यह अनुष्ठान संपूर्ण हो जाएगा। 12:20 की वो जो शुभ बेला है स्वामी जी, 12:20 की शुभ बेला से 1:00 राम जी अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे। वाकई में आज का ये दिन इतना शुभ है और इस शुभ अवसर पर अयोध्या वासी तो हैं ही हमारे साथ, योग गुरु स्वामी रामदेव भी हमारे साथ मंच पर ही है। स्वामी जी, मैं एक दोहा पढ़ रही थी, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। यानी राम राज जहां आ जाए, जहां पर राम जी का वास हो, वहां पर शोक भय दुख संताप सब अपने आप मिट जाते हैं। लेकिन अगर राम जैसा चरित्र पाना हो, राम जैसा पौरुष पाना हो, राम जैसा भाई बनना हो, तो इस देश के नागरिकों को क्या करना होगा? एक तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सुबह? भगवान राम सूर्य उदय से पहले उठा करते थे, चाहे वनवास का काल था या राज्याभिषेक के बाद राज्य किया। बचपन से गुरुकुल में पढ़ने गए, तब से गुरु गृह पढ़न गए, रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई, तब से लेकर के
प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नवा ही माथा। तो भोर में उठ करके सबसे पहले तो माता पिता को प्रणाम, फिर धरती माता को प्रणाम, और फिर एक बात हर रोज याद रखना, मैं मात्र एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं भगवान राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का, अपनी सनातनी संस्कृति का प्रतिनिधि हूं। तो मेरे आचरण में कोई ऐसा तत्व ना आए जिससे कि हमारे राम, कृष्ण, हनुमान, शिव की, सनातन धर्म की बदनामी। ये बहुत बड़ा तत्व, माने राम तत्व को हमें जीना है। राम तत्व को क्या करना है बोलो, रामो हम, क्या बोला जोर से बोलो, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम, शिवो हम, चिदानंद रूप शिवो हम, शिवो हम, आत्मा हम, सनातनो हम। अपनी इस सनातन चेतना को, ऋषि चेतना को, राम चेतना को, राम चेतना क्या है, राम चेतना है राम की मर्यादा। जैसे राम जी ने अपने हर मर्यादा को निभाया, पिता की, पुत्र की, गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ के सामने शिष्य की मर्यादा को, धर्म की मर्यादा को, राष्ट्र की मर्यादा को, जैसे सारी मर्यादाओं को भगवान जी ने निभाया, हमें भी अपने जीवन में अपनी मर्यादाओं को निभाना है। एक दूसरा, कभी राम जी के चेहरे पर आपने उदासी देखी, कभी मायूसी देखी, चाहे वो वनवास हो चाहे राज्याभिषेक हो, ऐसे प्रशांत आत्मा। और जैसे अयोध्या में अब उत्सव का वातावरण, एक वही तस्वीर आ गई है स्वामी जी, आपने किस समय में अभी बात की, सड़कों से जैसे आ रहा था मैं इधर राम की पैड़ी पर, तो चारों तरफ अभी से जहर नृत्य और भजन कीर्तन उत्सव 4 बजे से प्रभात फेरिया चल रही पूरी अयोध्या। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, और ऐसा नहीं है कि इसमें केवल अयोध्या वासी संलग्न है, इसमें गुजरात के कलाकार आ रहे हैं, इसमें राजस्थान के कलाकार आ रहे हैं, इसमें दक्षिण से लोग अपना केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, महाराष्ट्र और ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पूरा नॉर्थ ईस्ट, त्रिपुरा, सब सम्मिलित है। एक बार सबके लिए जोरदार है। और जो सामाजिक समरसता की स्वामी जी राम के चरित्र से हमें सीख मिलती है, वो सामाजिक समरसता आज के अनुष्ठान में भी देखने को मिल रही है। स्वामी जी जो यजमान भी हैं वो दक्षिण से आए हैं, गुजरात से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, पूरब से भी आए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आज आने ही वाले हैं, बस थोड़ा ही इंतजार और बाकी है। और विशिष्ट अतिथि साधु संत तो लगातार अयोध्या, जिनकी कृपा से आज का ये दिन देखने को मिल रहा है। लेकिन स्वामी जी साधु संतों के साथ साथ आप सेलिब्रिटीज का जमावड़ा देखिए, कंगना रनौत आती है हनुमानगढ़ी में झाड़ू लगाती है, रजनीकांत आ चुके हैं, कितने क्रिकेट के, स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, सेलिब्रिटीज को हम यहाँ देख रहे हैं। राम जी ने सबको जोड़ दिया है। हाँ ये बात तो है, राम नाम ही जोड़ने का है, रावण का काम तोड़ने का है। अच्छा एक बात बताओ, राम जी का मुहूर्त कोई इंसान निकालेगा? राम जी तो काल के भी काल है, राम सब अमंगल दूर करते, हम तो कहते हैं ना मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सु दशरथ अजर बिहारी। अब तो देखो हमारे राम जी जो सबका मंगल करते हैं, कुछ इतने बावड़े लोग हैं ये कह रहे अमंगल हो जाएगा। अरे राम, अरे, और बोले क्या बोले, शिखर नहीं बना। अरे मैंने कहा हमारे राम जी हमारे शिखर है, गगन सदृशम। हाँ गगन सदृशम, हाँ तो राम जी, राम जी से बड़ा कोई शिखर है? राम जी हमारे शिखर हैं, राम जी हमारे प्राण हैं, राम हमारे पूर्वज हैं, राम हमारे आराध्य हैं, राम परात पर ब्रह्म हैं, राम कण कण में रमे हैं, राम मुझ में भी है, तुझ में भी है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम ही राम है, है? सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम, जोड़ी जी को पानी। तो हमको ऐसे राममय वातावरण यहाँ देखने को मिल रहा है। ये बात तो सही है जैसे मीनाक्षी जी ने कहा, एक तरफ तो सूर्य नमस्कार हो रहा है, हमारा बालक जो है इसने अपने कपड़े लत्ते उतार दिए पूरे,
इधर हमारे कपाल भाती करने में लगे हमारे आलोक दास जी। अरे तुम भी कपाल भाती ठोको, इस पेट को जितना ठोकोगे ठीक रहेगा, बिना ठुकाई के ठीक नहीं। आपने ठुकाई की बात कर दी है तो राम जी के अगले चरित्र पर मैं आ जाती हूँ। राम जी जितने सौम्य हैं, जितना प्रेम उनका अपनी प्रजा से है, अपनी जनता से है, लेकिन दुश्मनों के लिए, ठीक वैसे मैं तो इसे भारत की सरकार से भी जोड़ना चाह रही हूँ कि राजनीति का चरित्र कैसा होना चाहिए, वो राम जी के जैसा होना चाहिए कि अपने दुश्मनों के लिए वो किस तरीके से कोदंड उठा लेते हैं। आप इसे जरा जोड़िए, किस तरीके से रामराज हो। राम योग भी है, क्या बोला राम, और जीवन के सारे संयोग भी है, संयोग है, और राम योग के साथ युद्ध भी है, क्रुद्ध भी है। किन के ऊपर? असुरों पर, राक्षसों पर, ताड़का पर और रावण पर, और उनका भी उद्धार करने के लिए, उनको मारने के लिए नहीं, उनको तारने के लिए है। क्या है राम? तारने के लिए। देखो ऐसे ही जब आप देखें कहीं पर अन्याय हो रहा है, पाप हो रहा है, अधर्म हो रहा है, तो मौन नहीं रहना, मुखर हो जाना, अपना स्वधर्म निभाना, योग धर्म के साथ अपना राष्ट्र धर्म भी निभाना, और जब जब देश पर कोई संकट हो, जब जब कोई चुनौती हो, तो एक योगी के साथ योद्धा बन करके अपने स्वधर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो उसके लिए भी तत्पर रहना। यह राम का चरित्र। और आज ये जो राम मंदिर बन रहा है ना, इसमें भी लाखों लोगों के प्राणों की आहुतियां लगी है, माँ बहन बेटियों की बच्चों की आहुति लगी है, और बहुत से तो जो पिछले लंबे 50 वर्षों तक इस आंदोलन में भागीदार रहे, किसी को गोलियां लगी, किसी को डंडे लगे, तब की टूटी हुई टांग और कमर अब तक दुख रही है, लेकिन कभी रुके नहीं, झुके नहीं, डटे रहे, तब जाकर के दिन देखने को मिला। उन सब बलिदानियों को भी एक बार बहुत बहुत प्रणाम, उनको अभिनंदन है, उनके उनके तपत्याग को वंदन है। बाकी तो देखो, एक है जीवन में बंधन, क्या है बोलो, और दूसरा है वंदन, क्या है, प्रभु के वंदन से सारे बंधन कट ही जाएंगे। तो हमें मृदुनी कुसमाद अपि, जैसे मीनाक्षी जी ने पूछा कि राम जी का ये चरित्र कैसा है, मृदुनी कुसमाद अपि कठोराणी वज्राद अपि, फूल से भी ज्यादा कोमल और वज्र से भी ज्यादा कठोर। ऐसा देखो, धर्म युद्ध तो जीवन में चलता है जी। तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। आपने धर्म युद्ध की बात कर दी, लेकिन आज तो सब कुछ जो है रामम शरणम गच्छामी हो रहा है, बुद्धम शरणम गच्छामी हो रहा है, वाकई में ईश्वर के शरण में जाने का आज दिन है। और जो तस्वीर राम शरणम मम, ये चारों तरफ लिखा मिल रहा है, बस उसमें एक ही अशुद्धि है, वो ममा होना चाहिए, मम के आगे हलंत लगा दिया। अब वो थोड़ा संस्कृत थोड़े कम पढ़े लिखों का परिणाम है, संस्कृत भी पढ़ना चाहिए। गुरुकुल में राम जी ने क्या पढ़ी थी बोलो, संस्कृत पढ़ी थी या अंग्रेजी? अच्छा एक एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, राम जी ने क्या पढ़ी थी, संस्कृत, और हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं, केवल अंग्रेजी। अरे अंग्रेजी पढ़ाओ, लेकिन पहले संस्कृत भी पढ़ाओ। दूसरी बात, राम जी इतने दिन वन में रहे, कभी डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, बुखार हुआ, दस्त लगे? और तुम्हारा, तुमको तो बिना जंगल के ही डेंगू हो रहा है, चिकनगुनिया हो रहा, बुखार हो रहा है, ये तो हम गिलोय तुलसी सब बताते रहते। राम जी कभी बीमार पड़े, कभी हॉस्पिटल में भर्ती हुए, तो राम जी की तरह हमको भी कभी हॉस्पिटलाइज नहीं होना है, कभी बीमार। और राम जी का पेट मोटा है, और सीता जी का, सीता जी हमारी मीनाक्षी जैसी है, और राम जी हमारे देखो कितने सुंदर हैं, तो हमको राम जी की तरह सत्यम शिवम सुंदरम होना। स्वामी जी, लेकिन वो तो तब होगा ना, जब आपने मोटे मोटे पेट की बात कर दी, जब आहार सही होगा, जब विचार सही होगा, जब वाणी और व्यवहार सही होगा, जैसा कि स्वामी जी आप कहते हैं। और आज जब गर्भगृह की तस्वीरें आ रही है, तो हर कोई ये इतना इच्छुक है टकटकी लगाकर इंडिया टीवी के जरिए ही, हमारी अखंड कवरेज के जरिए ही, राम मंदिर के गर्भगृह से लेकर अयोध्या के कोने कोने से लेकर जो
सुंदर रंग रूप सजाया है अयोध्या नगरी का, वो दिव्य दर्शन कर रहा है। आप देखिए जो फूल भी मंगवाए गए हैं, वो देश विदेश से फूल मंगवाए गए हैं, इसमें सबका योगदान है। जो कलाकृति भी दिखाई दे रही है स्वामी जी, जो केसर भी मंगवाया गया, जो 2 किलो केसर जिसे केसराधिवास करवाया गया प्रभु का, वो समझे कश्मीर के मुसलमानों ने भेजा है। एक बात और बताता हूँ, कश्मीर से तो केसर आया हमारे मुसलमान, क्योंकि मुसलमानों के भी तो पूर्वज रामई हैं, जो मुसलमान राम जी का सम्मान नहीं करता इसका मतलब वो अपने पुरखों का अपमान करता है। एक बात, और राम जी के यहाँ जो दिया जलाया जा रहा है ना, उसके लिए बद्री गाय का 1 क्विंटल से ज्यादा घी हमने भेजा है। बद्री गाय, अपने बद्रीनाथ वाली पहाड़ की गाय का। और इसलिए जो हमने कहा ना योग, वो योग जोड़ने का काम है। आज राम के इस उत्सव में सभी लोग इंडिया टीवी से जुड़कर वाकई में एकात्म भाव अनुभव कर रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरों तो दिखा ही रहे हैं, और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 500 वर्षों की प्रतीक्षा तो हो ही गई है, आज वो प्रतीक्षा पूरी होने वाली है। एक बात बताता हूँ, जो मुहूर्त ने बताया है ना जी, 12:20 का मुहूर्त है, 1:25 संपन्न हो जाएगा ये जो अनुष्ठान। एक बात इसमें बड़ी बताना चाह रहा हूँ जी, मतलब ये ज्योतिष के हिसाब से नहीं है, योग शास्त्र के और जो पूरा एक पारमार्थिक तत्व के हिसाब से जी, ये 10:12 से सबको पूरा एकात्म होकर के भगवान के नाम जप में लीन हो जाना है। कितने बज के? 10:12 से भगवान में 10 बज, अरे वो तो बाद में है, वो जो प्रक्रिया है, औपचारिक प्रक्रिया है, वो तो तब से ही अपने आप को भगवान राम की भक्ति में लीन हो जाना है। ऐसा तो अपना आज सारा हिंदुस्तान 10 बजे से ही, कितने बजे से? 10 बजे से ही अपने मन में राम धुन चल रही है, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, निर्धन के धन सीताराम, निर्धन के धन सीताराम, निर्बल के बल सीताराम, निर्बल के बल श्री भगवान, बोलो जय सियाराम। स्वामी जी, हम राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी बात कर रहे हैं, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बस सबसे कुछ ही देर का इंतजार और है जब वो भी यहीं अयोध्या में होंगे, और संकल्प तो उन्होंने भी लिया, एक संकल्प जो 35 साल पहले का था और एक अनुष्ठान जो वो पिछले 11 दिनों से कर रहे हैं, यमनियमों का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टांगानी अष्टांग योग का पालन कर रहे हैं। और यम क्या है? अहिंसा सत्य सेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा। और नियम क्या है? शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणधानानी नियम। यमनियमों का पालन कर रहे हैं, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास कर रहे हैं। और जैसे अभी बता रही ही थी मीनाक्षी में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो आप भी अपना अनुलोम विलोम तो करो बैठे बैठे। हाँ, ये तो योग मुद्रासन कर लेती हूं। हाँ, ये योग मुद्रासन, ये मंडूक आसन, ऐसे कुर्सी पर बैठ के भी आगे झुक सकते हो। योगा उन चेयर, क्या बोलते हैं योगा और हाँ, हम तो फ्लाइट में भी कर लेते हैं, हम तो ट्रेन में भी कर लेते हैं, प्लेन में भी कर लेते हैं। ऐसे ही अपने आप को देखो, योग वाला जो हमारा कार्य है वो हमने कभी बाधित नहीं होने दिया। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, वोटिंग का दिन हो, या सबसे ज्यादा गंभीर जो रहता है कौन सा दिन होता है? काउंटिंग डे। हमने सही दिन में योग छोड़ा नहीं है। अभी कितने दिन हो गए? 1200 दिन से ज्यादा हो गया जी, लगभग 4 वर्ष हम पूरे करने जा रहे हैं। लगभग 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इंडिया टीवी ने सुबह सुबह दिया आपको उपचार, क्या दिया सुबह सुबह?
योग से उपचार और दिन भर समाचार। योग से स्वामी जी 4 अप्रैल को हम 4 साल पूरे कर रहे हैं। क्या बात है, 4 अप्रैल को 4 साल पूरे हो जाएंगे। यह है प्रतिबद्धता, यह है नियम, यह है यम नियम, यह भी एक नियम है, विधि विधान। वैसे तो राम ही विधि है, राम ही विधान है, राम ही हमारे धार्मिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक सनातन संविधान है, एक राजनीतिक संविधान है हमारा। वो तो पार्लियामेंट उसी से चलेगी, देश उससे चलेगा, लेकिन हमारा जीवन चलेगा राम के विधान से, आध्यात्मिक संविधान से, वेद के विधान से। सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति, ऐसे हमें जीना है। लेकिन स्वामी जी, राम राज्य में गरीबी कैसे खत्म होगी? अब क्योंकि राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ ये कहा जा रहा है ना कि हिंदुस्तान में भी, भारत में भी राम राज्य की स्थापना होगी, गरीबी का उन्मूलन कब खत्म होगा? ये बात कब, कब गरीबी जाएगी? राम राज्य में कोई गरीब नहीं था, कोई दुखी दरिद्र नहीं था, और सब दीर्घायु थे, अल्प आयु न कौनी पीड़ा, सब सुंदर, सब विरुद्ध शरीरा थे। तो क्या करना पड़ेगा? एक तो सुबह सुबह योग करने के साथ दिन भर कर्म योग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलो, मैं रोज 18 घंटा सुबह 3:30 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक, कल तो 12 बज गए थे, 3:30 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक 18 घंटा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करता हूं। बाबा जी को किसी को की नौकरी करनी है क्या? ये इंडिया टीवी वाले मुझे कोई पेमेंट देते हैं? विदाउट सैलरी आई एम वर्किंग है हमारी 365 दिन की 24/7। किसके लिए? मैं एक सन्यासी होकर के जब 18 घंटा पुरुषार्थ करता हूं, फकीर होकर के हमारे देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी भी 18 घंटा पुरुषार्थ करते हैं, हमारे योगी जी भी 18 घंटा पुरुषार्थ करते हैं, तो तुम भी करोगे भाइयों? ए बहनों, बड़ी प्यारी प्यारी लग रही हो, टोपा ओढ़ के रखो, ठंडी है। हाँ, कर लो ओढ़ लो, बड़ी प्यारी लग रही है, बीच बीच में मीनाक्षी जी की फोटो भी खींच रही है। स्वामी जी, एक और प्रश्न, राजनीतिक विद्वेष। राम राज में किसी के बीच में कोई विद्वेष नहीं था, किसी के बीच में कोई दूरी नहीं थी, लेकिन अब विद्वेष भी है, राम मंदिर से कुछ नेताओं की दूरी भी है, ये कैसी मजबूरी है? तो एक तो मैंने कहा हमें पुरुषार्थ करना है और अपने जीवन को वैभव से आपूरित करना है, सब प्रकार के दरिद्रताओं से मुक्त होना है। ये राजनीतिक दरिद्रता है, ये वैचारिक दरिद्रता है। तो देखो, एक बात तो ये याद रखो, क्या याद रखो कि ये याद रखो कि जो अभी राम राम नहीं करेंगे, अभी जय सियाराम सीताराम नहीं करेंगे, उनका राम नाम सत होने वाला। इसका मतलब ये हुआ जो राम की शरण में, जो राम का नहीं वो किसी के। अब बताओ, ये राजनीतिक दलों को इतनी राजनीतिक दरिद्रता, पॉलिटिकल बैंक करप्शन आ गई है, राजनीतिक दरिद्रता, बौद्धिक दरिद्रता, वैचारिक दरिद्रता। अरे भाई, अच्छा ये कहते हैं राम जी को हाईजैक कर लिया बीजेपी वालों ने, तो भाई राम जी को तुम भी पकड़ो ना। अरे राम जी तो सबको पकड़े हुए हैं। अरे सारे राजनीतिक दल वालों, तुम भी राम जी को पकड़ लो, तुम तो जानबूझ के बीजेपी को सौंप रहे हो उनको। राम केवल बीजेपी के, राम केवल आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के, राम सबके हैं और सब राम जी के हैं। अब बताओ, इतनी बात पता नहीं इन राजनीतिक दलों को समझ क्यों नहीं आती, ये बात तो सबको समझ में आनी चाहिए। स्वामी जी, ये जो बांटने वाली जो मानसिकता है, जो यहाँ पे बैठे हुए दर्शक भी कह रहे हैं,
कि ये जो बांटने वाली मानसिकता है, ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर की देखो पोटली वाली मैया इधर आ, ये देखो अब देखो कितने दिखाइए मैया पोटली कहाँ काहे के लेके आई, इधर आ इधर आ इधर आ, ये मैया सिर पे पोटली रख के आई, कहाँ इसकी पोटली, ओरे रामा हा? ये देखो ये इतनी पोटली सर पे रख के लाई, ये मतलब क्या हुआ, दिखाना पोटली दिखा, ये लोग ऐसे आम लोग हैं जो सर पे पोटली रखे हैं, ये है राम जी की श्रद्धा, क्या है राम जी की, राम जी के प्रति भक्ति, आइए आइए मैया आइए, कहाँ पे आइए, झांसी पे आइए, क्या नाम हुआ, उदय किरण, इसके भी भाग्य उदय हो गए उदय किरण के, इधर आता राम की कृपा से ये जन्म भी सुधर जाएगा, बच्चे भी खुश रहेंगे, अब देखो कितने पैसे लगे आने में किराया, 500 रुपए लगे, हाँ अलग मैया आ गई, अब फिर यहाँ ठहरी कहाँ, जहाँ भागवत हो रही है वही ठहर गई मैया, तो मैंने कल ही बोला था एक बढ़िया सी जगह लेके 500,000 कमरे पतंजलि की तरफ से बना देंगे, गरीब लोग आके वहां ठहर जाना, हाँ क्योंकि गरीब लोगों को यहाँ ठहरने के लिए बहुत मुश्किल है, रे रामा रामा हमको पता लगा 10,000 से लेके 1-1 लाख रुपए कमरे के लग रहे, अब और अब तो ये तो 365 दिन होने वाला है, अब ये अयोध्या पहले वाली अयोध्या नहीं रहेगी जो थोड़े दिन पहले दिख रही थी, अब अयोध्या काशी और मथुरा ये दुनिया के सबसे बड़े तीर्थों के रूप में प्रतिष्ठापित। स्वामी जी आप देख रहे कई कई लोग जो मैं तो बीते 11 दिन हो गए अयोध्या में रहते हुए, कहाँ कहाँ दूर दराज से लोग आ रहे हैं, कोई नंगे पैर आ रहा है, कोई दंडवत प्रणाम करते हुए आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई दक्षिण से आ रहा है, कोई साइकिल पर आ रहा है पैदल, इस तरीके की ऊर्जा और बिना चप्पलों के पैदल चल के आ रहा है, देखिए ना यहाँ पे भी एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जूते नहीं पहने हुए उन्होंने, जूते चप्पल नहीं और इतने तगड़े हैं फिर भी चल के आए, कितनी उम्र हुआ बाबा, 70 साल का, कहाँ से है, मानसी बिहार खगड़िया, खगड़िया से, चप्पल भी नहीं तुम्हारे, नहीं चप्पल ऐसे ऐसे ही तपस्या कर रहे हैं बाबा, का नाम हुआ, ललन राम, ललन राम नाम में भी राम है इनके तो, ललन राम तो देखो 70 साल के, कि भाई राम जी का ये सौभाग्य मिल रहा है तो चलाए, अरे यहाँ तो कह रहे बिना पास के एंट्री नहीं तो तुम घुसे कैसे, घुस गए बाबा की कृपा भगवान का कृपा। स्वामी जी आज तो बस प्राण प्रतिष्ठा के उस शुभ बेला का एक एक क्षण जो है लोग उंगलियों पर गिन रहे हैं, जो तुलसी माला फेरते हैं वो तुलसी में गिन रहे हैं, ये तो देखो हमारे बाबा तो पूरे तुलसी में हो रखे हाँ, अरे बाबा इधर आइयो जरा, आई आई कोई नहीं कोई कितने हा? अरे महाराज इतने बैठो बैठो, इतनी माला पहन रखी, एक आधा हमको भी दे दो, 1, 2, 3, 4 हाँ ए और है एक एक हमको भी पहनाओ, ये बड़ी प्यारी सी है, ये तुलसी जी की माला है और इस माला में भी सीताराम लिखा हुआ है, हाँ। राम राम लिखा हुआ है, क्या बात है, हमको राम के बाद भी स्वामी जी सीता की बात के बिना, नाम राम ही देव है आपके तो नाम में राम है, इसमें कोई दो राय है क्या, पूरी दुनिया आपको योग गुरु के नाम से जानती है स्वामी जी, लेकिन राम की बात हुई सीता की बात तो होनी चाहिए, ये बालक तो हमारा, लेकिन हमको ये प्यारी माला बड़ी अच्छी लगी, अभी स्वामी जी सीता की बात करिए, आज राम के साथ साथ पहले सीता का नाम भी लिया जा रहा है, सीता भारत की महिला शक्ति की बात करिए, हाँ ये बहुत जरूरी है, एक तो देखो पहले तो मीनाक्षी की बात करता हूँ, ये हमारी इतनी तपस्विनी बहन है, मैं सोच रहा था जब इसको टीवी पर देख रहा था, फिर यहाँ आके देखा मैंने, इतनी ठंड है यहाँ और ये ऐसे ही रहती है, इसके लिए भी जोरदार, ये भी बहुत तपस्या कर रही है हमारी बहन, हाँ लाइन गानी है, इधर आ जा,
बैठो बेटा, अनुलोम विलोम कर। और माता सीता ने कितनी तपस्या की? माइक। और माइक भी दे दो भाई इनको एक। माता सीता ने बोलो कितनी तपस्या की वन में, फिर अग्नि परीक्षा भी दी, लेकिन अपने धर्म से विचलित नहीं हुई। राक्षसियों के बीच में, राक्षसों के बीच में वो अशोक वाटिका से लेकर के रावण का चारों तरफ तांडव था, कितना भय, और उन सब के बीच में अपने धर्म से विचलित न होना। माता सीता ने अयोध्या में भी तपस्या की, माता सीता ने जनकपुर में भी तपस्या की, माता सीता ने लंका में भी तपस्या की, माता सीता ने जब लव कुश को जन्म दिया उस समय भी तपस्या की। बाबा ये सब बोलना है। हे बाबा, हाँ कोई नहीं, आज नाथ में कह न पावा। हाँ आज नाथ में कह न पावा, कह न पावा। चला, हाँ इतना आनंद हो रहा है कि नाथ कुछ बोल नहीं सकता, निशब्द हो गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस दिन, तो भगवान हमको यही बुलाए। देखिए ये जन भावना है जो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, खुद हमारे मंच तक पहुँच जाते हैं और अपने और भाव जो है व्यक्त करते हैं, और बिना जूते चप्पल के घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या गाना चाहती हैं? ये कहाँ से आई मैया? हाँ गाओ वंदना जी। एक सिंगर हूँ, माला इतना गाया, चलो फिर भी इतना जोश है, इतना भाव है, तो दोनों चलो दोनों मिलके गाओ। और मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी साथ गाएंगे। गाइए। हाँ रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की जो पड़िया, रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया। रघुकुल नंदन अब आएंगे, रघुकुल नंदन अब आओगे, दासी की जो पड़िया, रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया, तेरे। भाई पीछे वाला भी तालिब देख एक बार हाथ ऊपर करके। बहुत ही सौभाग्य के दिन है, हम सब आज अयोध्या में हैं और अयोध्या वासी हैं। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानो रे, भजन भाव नहीं जानो रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, वन में जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते वाकई में आज ये सौभाग्य तो सभी अयोध्या वासियों का है। आज सौभाग्य का दिन है कि पूरे देश में एक उत्सव का माहौल है। स्वामी जी आज ये वाकई में सौभाग्य का दिन है कि राम जी अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं, और अब से ठीक 3 घंटे का इंतजार और प्रतीक्षा, और हमारी इंडिया टीवी पर यह अखंड कवरेज लगातार जारी रहेगी। स्वामी जी एक संदेश, क्योंकि अब यहाँ से तो आप सीधा अंदर प्रांगण में प्रवेश कर जाएंगे, आप भी विशिष्ट अतिथि हैं, और आज वाकई में जिनको भी ये निमंत्रण आया है वो तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। तो ये मात्र एक मंदिर की ही प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, इस दिन हमें प्रण लेना है देश को सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति दिलाने। राजनीतिक आजादी मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को, आज देश को सांस्कृतिक आजादी मिलने वाली है, और हमें अपहरण करना है देश को आर्थिक गुलामी से, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी से मुक्ति दिला करके
राम राज्य की प्रतिष्ठा अपने जीवन में, राम जी की मर्यादाओं, आदर्शों पर, सिद्धांतों पर, मूल्यों पर, राम जी के आचरण को अपने जीवन में उतार करके एक आह्वान, राम राज्य की प्रतिष्ठा हमें अपने संकल्प से, अपने आचरण से करनी है। सबको चारों तरफ देखें ना तो ऐसे लगे सबका आचरण सीता जैसा है, सबका आचरण राम जैसा है, ऐसा राष्ट्र हमको। स्वामी जी, बिना योग के तो पूरा नहीं होगा, इसलिए आप बताएं, सूर्य नमस्कार करेंगे आप हमारे साथ, क्या करने वाले हैं? तो अभी ऐसा करते, मैं भी खड़ी हो जाती हूँ। ऐसा करते, एक खड़े होकर के, ए सभी खड़े हो जाओ ना, अब तो बैठने का वक्त गया, जागने का वक्त आ गया। चलो ये सभी कर लेंगे, ताड़ासन करो, पूर्णाहुति योग से ही तो होगी। तो हमारे जिमी वाले से जो है शॉट ले लेंगे अभी, तो नहीं तो सब कैमरे में इतना कहां समा पाएगा। देखो ऐसे ऊपर उठा के ऐसे थोड़े डटो, ए मैया ऐसे डटो, क्योंकि सर्दी बहुत है, गर्मी आ जाएगी, जितने उनके जैकेट लगे हुए हैं वो खुल जाएंगे। दूसरा दूसरा है ये वृक्षासन थोड़ा, हाँ ऐसे ऐसे, स्थिरता भी होनी चाहिए ना जीवन में, दृढ़ता भी, स्थिरता भी, एकाग्रता भी, तभी तो बात बनेगी। ऐसे, और फिर सुबह सुबह एक बार कम से कम ऐसे दौड़े ही लिया करो, हाँ ये हाँ योगी जोगी, ऐसे कोई बात नहीं। अब सब अब पूर्णाहुति हो रही है, ये सब ये काम धाम सब लगाना पड़ता है टीवी पर प्रोग्राम करने के लिए। तो ऐसे एक भजन के साथ, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो श्री राम नहीं तो जीना क्या, सिया राम नहीं तो जीना क्या, कल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो मेरे भाई, प्रभु का नाम जपो इसमें दिन बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, श्री राम नहीं तो जीना क्या, सिया राम नहीं तो जीना क्या। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम। तो आज जय सिया राम के इस घोष के साथ साथ स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंच पर पधारने के लिए, योग के साथ साथ नीति शास्त्र की भी शिक्षा के लिए। और वाकई में ये आज वो शुभ मुहूर्त है जिसकी प्रतीक्षा 500 वर्षों से राम भक्त कर रहे थे, लेकिन अब प्रतीक्षा की घड़ियां हुई समाप्त। अब से ठीक 3 घंटे के बाद आप देखिएगा राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे भगवान श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य सनातन वैदिक धर्म की, भारत माता की, बहुत बहुत प्रणाम। और आप लोग कहीं मत जाइएगा क्योंकि इंडिया टीवी पर हमारी अखंड कवरेज लगातार जारी है। आप देख रहे हैं राम की पैड़ी से मेरे राम आए हैं, एक एक तस्वीर हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे।